है मैं माहिर लोग इसका नाम स्मृति ईरानी कैसी रखो, नाम चेंज करना चाहिए इनको। कहाँ गए लोग ने सड़क पर उतरकर ड्रामा करते थे। जल्दी से जल्दी हर चीज में जो महंगाई है कम करना चाहिए, नहीं करेगा देश का जनता के साथ हम लोग हैं और ये सरकार को उकाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे। नरेंद्र मोदी हाय 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 देख सकते हैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। आज तो देश में जो महंगाई है टेन बनके बीजेपी के घर में बैठा है, नरेंद्र मोदी अमित शाह इनके घर पे बैठा है, डार्लिंग बना के रख दिया महंगाई को इन लोगों ने। जो एक साल में 8 बार एलपीजी का रेट बढ़ाया, जो भाई इलेक्शन में हार होने के बाद में 10 रुपए पेट्रोल 5 रुपए डीजल में कम किया है, वो कितने बढ़ाया था 50 रुपए बढ़ाने के बाद इन लोग ने 5 और 10 रुपए कम किया है। जब तक ये सिलेंडर का जो इन लोग ने एलपीजी का दाम कम नहीं करेगा और हर चीज में इन लोग ने महंगाई का इन लोग ने बात करके रेट कम नहीं करेंगे, तो का काम करेंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस आज सड़कों पर, हम देख सकते हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार एलपीजी के सिलेंडर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनका रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने आज यूथ कांग्रेस आज महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस प्रकार से एलपीजी के सिलेंडरों पर लगातार रेट बढ़ने, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, उस पर जो रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर यूथ कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है और वो शास्त्री भवन का घेराव करेगी। और देख सकते हैं यूथ कांग्रेस की पूरी टीम है, उनके यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी मौजूद है, तमाम देख सकते हैं जो महिला बींग है, जो महंगाई देश में लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर पूरे देश भर के लोगों में गुस्सा है और उसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। महंगाई कम करो ये या तो गद्दी छोड़ो, इस प्रकार के इनके लोगों ने मोदी है तो महंगाई है, मोदी सरकार ना काम, इस प्रकार के स्लोगन देख सकते हैं। देखिए सिलेंडर लाए हैं और चाय लाए, इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने के ये तरीके हो सकते हैं। देख सकते हैं चाय बना रहे हैं और नीचे सिलेंडर में आग जला रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरें। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी इस बात को माना है कि जो अभी उपचुनाव हुए थे देश में उसमें बीजेपी को करारी हार मिली, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि महंगाई को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और उसी कारण हम उपचुनाव हारे हैं। उपचुनाव में बुरी हार होने का कारण बीजेपी नेताओं ने महंगाई को माना, क्योंकि लगातार जो एलपीजी के सिलेंडर है उन पर महंगाई रुक नहीं रही है, पेट्रोल डीजल पे भी थोड़े रेट कम हुए लेकिन जिस प्रकार से रेट बढ़ रहे थे वो उस प्रकार कम नहीं हुए थे। जनता को परेशान कर, भारत को बर्बाद, जो सरकार बदली है, जो सरकार बदली है।
हमारा ये कह नरेंद्र मोदी सरकार